एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीएनबी एम पासबुक में आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या करें, ये समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। तो पीएनबी एम पासबुक के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिस पर आपका बहुत सारा प्यार मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसमें एक सवाल जो है बार बार आता है कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारण है, इसका समाधान क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको उसी मोबाइल में पीएनबी एम पासबुक को इंस्टॉल करना है जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर है, वो सिम आपका उस मोबाइल में होना चाहिए। उस नंबर से ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो नंबर चालू रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कई महीनों से कई सालों से उसमें रिचार्ज ही नहीं किया है, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें SMS आपका सेंड होना चाहिए और रिसीव होना चाहिए, वो फैसिलिटी आपका रहना चाहिए, वो सिम आपका एक्टिव रहना चाहिए। फिर ये भी देखेंगे वो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में प्रॉपरली लिंक्ड है कि नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मर्जर हुआ है, बैंक के सॉफ्टवेयर्स में कुछ चेंजेस हुआ है, तो अगर आप बैंक से पैसे जमा करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, तो उसमें मैसेज आता है, मतलब आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई मैसेज आता ही नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर प्रॉपरली लिंक नहीं है, आपको बैंक ब्रांच में जाके मोबाइल नंबर को लिंक कराना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको देखना होगा कि आपका जो सिम है वो एक्टिव होना चाहिए। सिम भी एक्टिव है, मोबाइल नंबर भी लिंक्ड है, सब कुछ ठीक है, तो कभी कभी होता ही है कि नेटवर्क एरर भी रहता है। जैसे कि जहां से हेड ऑफिस से जो IT सेंटर से जो मैसेज आपको SMS जो आपको आता है, OTP आता है, कभी कभी वहां पर भी तकनीकी खराबी की वजह से वो OTP नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में आप थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद प्रयास करें, कुछ समय बाद ट्राई करें, इसका यही सोल्यूशन है और कुछ नहीं है। और एक बात है कि आप ये प्रयास करेंगे जो नंबर है, जो सिम है, उसको आपका मोबाइल के स्लॉट 1 में रखें। जैसे आप तो डुअल सिम मोबाइल ही यूज़ करते होंगे, उसमें दो नंबर होंगे, दो सिम होंगे, तो ये जो लिंक्ड मोबाइल नंबर वाला सिम है इसको आप प्रयास करेंगे मोबाइल के सिम स्लॉट 1 में रखें और दूसरा नंबर जो है उसको स्लॉट 2 में रखें, ताकि इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो OTP जो वो रिसीव नहीं हो पाता है। फिर भी आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप बैंक ब्रांच में जाकर एक बार जरूर बात कर लें कि आपको OTP क्यों रिसीव नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपका ठीक है, फिर भी आपका OTP नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपका इससे जुड़ा कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।